की समझ था नहीं। सबों का वही दीनो ईमान है, ये दिल है तमाम और वही जान है। किसी से बरावे न कुछ कावे जा, वेलकम टू द अर्बन कपल। तो गाइज़ आज हम आए हुए हैं अलसीफ, और अलसीफ आने का आज खास मकसद ये था कि यहाँ पे चल रहा है नूर द फेस्टिवल ऑफ लाइट। तो ये 3 दिनों का ये पूरा फेस्टिवल था जो कि 25 से 27 अक्टूबर तक चला, और इस वीडियो में आपको हम दिखाने वाले हैं जो जो वहाँ प्रोग्राम हुआ। तो आप, हम ज़्यादा नहीं बताएंगे, आप देखिए, इंजॉय कीजिए इस वीडियो को। अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। तो एंजॉय कीजिए नूर द फेस्टिवल ऑफ लाइट, अलसीफ दुबई। छोटा सा तारुफ अपने हमनवाओं का करवाना चाहूंगा क्योंकि इनके बिना एक कदम भी आगे रखना मुश्किल है। तबला नवाज है संजय कुमार जी, उनके ठीक पीछे बाई तरफ अनुभव है, अनुभव सिंह, उनकी दाई तरफ शुभम मटपाल, और मेरे दाहिनी ओर मेरे ठीक पीछे टीम वर्क आर्ट्स, और उनके सभी सहयोगी पार्टनर्स को जो इस खूबसूरत जलसे का एहतमाम किया। आज दूसरा दिन है और हमें मौका मिला दास्तान सुनाने का। तो दास्तान गोई, उर्दू में कहानी किस्से सुनाने का फन दास्तान गोई कहलाता है। यूं तो दास्तान गोई बहुत पुराना फन है, एक वक्त में बहुत मकबूल था, मगर बाद में लोग इसे भूल गए थे और ये खत्म हो गया था। लेकिन उर्दू झुका जिसके सजदे में अव्वल कलम, सरे लौह पर रख बयाजे जबीन, कहा दूसरा कोई तुत्सा नहीं, सबों का वही दीनो ईमान है, ये दिल है तमाम और वही जान है। किसी से बरावे न कुछ कावे जा, कर वो मेहरबान है तो कुल मेहरबान, अगरचे यहाँ क्या है और क्या नहीं, पर उस दिन तो कोई किसी का नहीं। कलम को जबा अपनी लावे हजार, लिखे किस तरह हमदे परवरदिगार, लिखे किस तरह हमदे परवरदिगार। तो हाजरीन, गुलगुना कशाने आरिज़े शाहिदे बयां कुछ इस तरह फरमाते हैं कि भगवान राम की कृपा बनी रहे ताकि चौगुली की ये दास्तान बारंबार सुनाई जाती रहे, और हर युग, हर खित्ते, हर कौम और हर जमानो मकान में इस दास्तान के सुनने वाले और सुनाने वाले पैदा होते रहे। तो ये दास्तान शुरू होती है राजस्थान के एक बहुत बड़े ठिकाने के एक बहुत बड़े ठाकुर साहब से, जिनकी अपने ठिकाने पे बहुत बड़ी हुकूमत थी। ठाकुर साहब अपने जमाने के बहुत बड़े योद्धा, पराक्रमी, तीरंदाज और निशानेबाज मशहूर थे, और जाड़ा, गर्मी, बरसात, बिला नागा अपनी तीरंदाजी की मशक करते कुछ इस तरह के रोजाना सुबह उठकर नहा धोकर अपनी ठोकराइन का हाथ पकड़कर छत पर लेकर जाते, एक मखसूस जगह पर खड़ा करते, वहां से 108 कदम पीछे जाते और अपनी कमान से जो तीर छोड़ते तो वो तीर जन जन दन दन करता हुआ। The tolerance that comes with the Sufi context is something. Lost for money. I feel that there's so much I don't know. Though I'm very happy to come here, but there's a tinge of like sadness that, you know, I need to start doing this more often. Hey,
Mangani everyone. Salam. Thank you so much. The next song. अभी एडवांस में मैं हैप्पी दिवाली कहना चाहूंगा आप सबको. हैप्पी दिवाली. और क्या कहा है, आई थिंक आपको राजस्थानी थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा. वारी जामूरे ये जाकिर माय सन. तो गाइज आपने इस वीडियो में देखा होगा कि कितना बढ़िया ये प्रोग्राम हुआ था और हमने भी बहुत इंजॉय किया. इस तरह के वीडियो हम दुबई के बारे में लाते रहते हैं. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें. अगर आपने अलसीफ अब तक नहीं विजिट किया है तो अलसीफ जरूर विजिट करें, बहुत अच्छी जगह है. सी यू इन माई नेक्स्ट व्लॉग. बाय बाय, टेक केयर.